नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव परिणाम के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और अब भी जारी है। परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अब तक के हुए मतगणना में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव रिकॉर्ड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। 24वें राउंड की वोटिंग के बाद डिंपल यादव 1,10,000 वोट से आगे चल रही हैं। वहीं जसवंत नगर सीट से वो करीब 80,000 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो मैनपुरी उपचुनाव एक तरफा हो गया है और डिंपल यादव रिकॉर्ड जीत की ओर आगे बढ़ रही है और खुशी सपा कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखी जा रही है। वहीं उपचुनाव की ताजा स्थिति को लेकर सपा ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया। पार्टी ने सत्ता पक्ष पर तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद पीछे रहने की बात कही। पार्टी ने ट्वीट किया कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। रामपुर में प्रशासन और पुलिस के अत्याचार के बावजूद समाजवादी पार्टी आगे है। खतौली विधानसभा में सपा गठबंधन से शानदार बढ़त बनाई है। वहीं मैनपुरी में डिंपल यादव की रिकॉर्ड जीत की ओर आगे बढ़ने से सैफई कुनबा बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप समझ भी सकते हैं। ऐसे में प्रसपा अध्यक्ष और जसवंत नगर के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने जनता को धन्यवाद दिया है। तस्वीरें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट और खतौली विधानसभा सीट थे। ऐसे में मैनपुरी की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से डिंपल यादव बढ़त बनाए हुए हैं। 1,00,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रही हैं। वहीं जसवंत नगर की हम बात करें तो जसवंत नगर में 80,000 से ज्यादा सीटों से आगे चल रही है। और अगर हम बात करें रामपुर की तो रामपुर में भी सपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वहां पर आंकड़े जो है वो ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोटों की गिनती जो हो रही है और उसके बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें काफी अंतर है, लेकिन बार बार सपा बढ़त बना रही है। अगर खतौली की हम बात करें तो यहाँ से रालोद और सपा गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में और वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में पार्टी बेहद उत्साहित है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने जनता को धन्यवाद दिया है। डिंपल यादव भी पूरी तरह से खुश नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा कुनबे में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। तस्वीरों को आप देख सकते हैं और सपा जश्न मनाने में पूरी तरह से मशगूल नजर आ रही है। वहीं उपचुनाव की ताजा स्थिति को लेकर सपा ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है, ट्वीट किया है और कहा कि पार्टी ने सत्ता पक्ष पर तमाम हथकंडे अपनाए बावजूद इसके वो पीछे रह गए हैं। पार्टी ने ट्वीट किया कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। रामपुर में प्रशासन और पुलिस के अत्याचार के बावजूद समाजवादी पार्टी आगे नजर आ रही है। आपको बता दें कि जब वोटिंग हो रही थी इन तीनों ही सीटों पर तो काफी ज्यादा तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिनमें से कुछ मुस्लिम मतदाता थे जो ये आरोप लगा रहे थे कि उनको वोट देने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ उनके पास सारे आईडी प्रूफ हैं, उसके बावजूद भी उन्हें देखकर भी ये कहा जा रहा है कि आईडी प्रूफ फर्जी है। इसको लेकर काफी बवाल भी मचा और जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी हमने देखा था कि काफी बवाल जो है वो दिखाई दे रहा था लगातार। समाजवादी पार्टी उस दिन भी ट्वीट कर रही थी और आज भी समाजवादी पार्टी उत्साहित नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि भले ही तमाम हथकंडे बीजेपी ने अपनाए हो, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे रह गई है। डिंपल यादव के सामने परिवार की साख बचाने की तो यहाँ पर चुनौती थी ही, साथ ही साथ जो पूरा कुनबा है उसकी भी साख बचाने की यहाँ पर चुनौती थी। इसके अलावा जिस तरह से 2024 के चुनाव अब जल्द ही सामने आने वाले हैं, ऐसे में सपा पूरी कोशिश कर रही है कि वो फाइट दे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में जो तस्वीरें क्लियर हो रही हैं उसे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि परिवार को जो यादव लैंड है उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है और यही वजह है कि डिंपल यादव जो है वो 1,00,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। जसवंत नगर में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, 80,000 से ज्यादा वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। जो उसकी जीत है और जो भी यहाँ पर नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। अधिकारियों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन जनता ने खुल करके वोट दिया। यहाँ पर जो भी मंत्री आते थे सरकार जितने भी मंत्री आते थे सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे तो उसको बंद कर दो, उस पर मुकदमा लिख दो, उसको कर दो और वोट कम डाल।
देखा आपने किस तरह से शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि नेताजी का जलवा अब भी कायम है और बहुत ज्यादा आशीर्वाद यहाँ पर शिवपाल यादव जनता को दे रहे हैं। मेरे सहयोगी अरुण यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। अरुण, मैनपुरी में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? अगर देखा जाए तो एक अलग ही उत्साह, अलग ही खुशी जो है वो दिखाई दे रही, लग नहीं रहा है कि उपचुनाव थे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैनपुरी में लोग 8 बजे से मतगणना चालू हुई है, तब से लगातार डिंपल यादव जीत की ओर बढ़त करती चली जा रही है। वही आपको बता रहे सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने 251,691 वोट से अभी आगे चल रही है। हालांकि लास्ट राउंड चल रहा है, 32वां राउंड चल रहा है, लेकिन काफी यहाँ जो कार्यकर्ता है, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, इस गढ़ में बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी सेंध लगाने में। लेकिन जब जीत के अंदर काफी कार्यकर्ता उत्साहित था, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का कहना कि नेताजी को हमको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। हालांकि इसके पहले भी मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था, सांसद भी रहे थे, लेकिन 94,000 कुछ वोटों से वोट जीते थे। लेकिन ये जीत बहुत ऐतिहासिक जीत मानने कार्यकर्ता है, काफी खुशी का माहौल है, बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है कार्यकर्ताओं में। जी बिल्कुल अरुण, यानी जिस तरह से डिंपल यादव बढ़त बनाए हुए हैं मैनपुरी से भी और जसवंत नगर से भी, कहा जा सकता है कि जीत पक्की है डिंपल यादव की। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, शिवपाल यादव से भी जसवंत नगर क्षेत्र है, उसमें सपा की बढ़त बरकरार है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के 9 राउंड की जीतते हैं सपा के डिंपल यादव 983 वोट है, और बीजेपी के अनुराग सिंह ठाकुर को 70,030 वोट मिले हैं। डिंपल यादव भाजपा से अनुराग सिंह 22 वोटों से आगे हैं। हालांकि लेकिन जिस तरीके से ये हमें आता वाला जिस तरीके से आगे जो बढ़त चली आ रही है, किसी जीतने का नाम नहीं रही है, कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। लेकिन हालांकि लास्ट राउंड चल रहा है, लेकिन 3 लाख के लगभग इनकी जीत होगी। जी बिल्कुल अरुण, देखिए एक तरफ बहु मैदान में थी और दूसरी तरफ शिष्य मैदान में थे, तो ऐसे में शिष्य को तो पूरी तरह से मैनपुरी की जनता ने नकार दिया है, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है भाजपा का? जी देखिए, हालांकि बीजेपी से तो जीतन महावर वो कहते रहे हैं कि मैनपुरी ने जो आजमगढ़ गढ़ था, रामपुर गढ़ था, वो भी कभी गढ़ समाजवादी पार्टी का, लेकिन अब बाहरी मैनपुरी के, हालांकि मैनपुरी में बीजेपी कमल खिलाने में नाकाम रही है, क्योंकि जो नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि की लोगों ने श्रद्धांजलि रूप में वोट दिया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बसपा का वोटर था वो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जीत हो रही है वो कहीं ना कहीं सपा को होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखाई दे रहा है अरुण, और खुशी भी नजर आ रही है। शाम तक या कितना समय और लगेगा कि स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, 3 ही सीटें थी। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ वक्त तो नहीं हुआ, रिजल्ट आपके सामने ही आ जाएगा कि किस तरीके से कितने वोटों से हालांकि विजयी हो रही है डिंपल यादव, क्योंकि यहाँ तक जितनी भी विधानसभा है मैनपुरी जसवंत नगर किसे बता दें, क्योंकि सभी विधानसभा डिंपल यादव ने जीत ली है, जिसमें एक भोगा विधानसभा पंचायत से पहले भी कई चुनाव हुए। बने रहिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सपा के नेता है उनसे भी हम संपर्क साध सकें। राजकुमार भाटी साहब है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत बड़ी खुशी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए दिखाई दे रही है, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। जी जी नहीं, बिल्कुल ये खुशी की भी बात है, समाजवादी पार्टी के लिए तो है ही खुशी की बात, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए भी खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का चुनाव में धांधली करने का प्रयास किया और तमाम तिकड़प अपनाई, वोट डिस्टर्ब किया, मतदान नहीं होने दिया, और रामपुर में तो 20 राउंड के बाद फिर धांधली शुरू हो गई, वरना रामपुर भी बहुत बढ़िया मार्जिन से हम जीत रहे थे, उसमें फिर अपडेट देनी बंद कर दी प्रेस को, अंदर से एंट्री बंद कर दी, और क्या हुआ है पता नहीं, अब अंतिम रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। लेकिन ये लोकतंत्र की जीत है, देश का जो नागरिक है उसे लोकतंत्र की आदत पड़ चुकी है, वो तानाशाही। अगर मैनपुरी की हम बात करें तो एक तरफ बहु मैदान में थी, दूसरी तरफ शिष्य मैदान में थे, ऐसे में बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि जो शाके साहब हैं वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ करने वाले हैं, लेकिन डिंपल यादव तो इतनी आगे बढ़ती जा रही हैं कि उन्हें मात देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए लाखों वोटों से आगे चल रही हैं वो। नहीं, अगर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न किया जाता और सरकारी प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग नहीं किया जाता तो कम से कम 1 लाख का मार्जिन और ज्यादा होता,
1,00,000 वोट बीजेपी ने सरकार ने प्रभावित कर दिया, कहीं लोगों को धमका के, कहीं रुपए बांट गए, कहीं शराब बांट गए, कहीं पुलिस ने रोका, कहीं मतदान डिस्टर्ब किया, हमारे कार्यकर्ताओं को तंग किया गया। 1,00,000 वोट हमारा कम पड़ा है, वरना 1,00,000 से और ज्यादा मार्जिन होता। पाटी साहब क्या कहेंगे ये सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को? सच्ची श्रद्धांजलि है, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, मतदाताओं के चरणों में प्रणाम। मतदाता देश का जागरूक है और निडर रहे, डरे नहीं, झुके नहीं, मतदाताओं ने सही निर्णय लिया एकदम। और समाजवादी पार्टी रामपुर और खतौली का भी जरा बता दीजिए। देखिए, खतौली का समीकरण पहले दिन से स्पष्ट था, वहाँ जो सामाजिक समीकरण थे और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायक दंगे में आरोपी ठहराए गए थे और जिला मुजफ्फरनगर में मुस्लिम और जाट दोनों समुदाय इस बात को समझ रहे थे कि ये दंगा बीजेपी ने कराया था और बीजेपी ने हिंदू मुसलमान को बांट कर राजनीति की, तो ये उस सोच की भी हार है। भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक राजनीति चलाना चाहती है, सांप्रदायिक आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर जीतना चाहती है, उसकी भी हार है। ये हमारी जीत से ज्यादा राजकुमार जी, ऐसा वोटिंग डे पर हमने देखा था कि बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसमें लोग जो है अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर सामने बोल रहे थे कि हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि ये फर्जी आईडी प्रूफ है। नहीं, खतौली की वो वीडियो तमाम मीडिया में भी चली है, सोशल मीडिया पे है। वो सीओ राकेश सिंह लोगों को रोक रोक के कह रहे थे कि जिसके पास मतदाता पहचान पत्र केवल उसको वोट डालने दिया जाएगा। वो तो आपने भी देखा होगा, जबकि चुनाव आयोग का जो निर्देश है 15 पहचान पत्र उसमें मान्य होते हैं। बिजली के बिल से भी वोट डाल सकते हैं, आधार कार्ड से भी वोट डाल सकते हैं। भाटी साहब, मैनपुरी और रामपुर और खतौली के लिए जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं उसके लिए अभी से ही बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है, शाम तक नतीजे जो भी हों, लेकिन अभी तो ये देखा जा सकता है कि वाकई समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है 2024 के लिए भी मुश्किल हो सकता है भाजपा के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मैनपुरी से, जीत की ओर अग्रसर डिंपल यादव बड़े मार्जिन से, वहीं सपा के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर ये बरगलाने की कोशिश नहीं करती बीजेपी तो जो अंतर है वो और लंबा और ज्यादा होता। शिवपाल यादव की तरफ से औपचारिक घोषणा बाकी है। इटावा में क्या शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मैनपुरी उपचुनाव के दौरान शिवपाल के भतीजे जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक उर्फ अंशुल यादव ने चाचा शिवपाल की गाड़ी से प्रसपा झंडा निकालकर सपा का झंडा लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जीत के बाद परिवार पूरी तरीके से एक हो गया है, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि प्रसपा का विलय सपा में हो गया है। बहरहाल शिवपाल यादव की तरफ से औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक पंडित इस बात को समझ रहे हैं कि परिवार अब एक हो चुका है और अब 2024 की पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है। तो क्या प्रसपा का सपा में विलय हो गया है, ये हम नहीं कह रहे, कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। प्रसपा का झंडा हटाकर सपा का झंडा यहां पर गाड़ी पर लगाते हुए शिवपाल यादव के जो भतीजे हैं वो नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि परिवार अब एक हो चुका है और 2024 की तैयारियों में लगा हुआ है। कड़ी चुनौती यहाँ सपा अब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देती हुई नजर आ सकती है। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसका इंतजार है। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, ट्वीट बहुत कुछ बोलते हैं, और जिस तरह से डिंपल यादव को समर्थन शिवपाल यादव ने किया उससे साफ है कि परिवार अब पूरी तरह से एक है। और मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ गए हैं इटावा से। रोहित, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई प्रसपा का विलय हो गया है सपा में? बिल्कुल, ये जो तस्वीर है जो सैफई में आज देखने को मिली है मैनपुरी लोकसभा सीट पर, पारिवारिक एकता के बाद शिवपाल सिंह के मिलन के बाद जो है मैनपुरी में जो ऐतिहासिक जीत जो है समाजवादी पार्टी को मिली है, डिंपल यादव के लिए जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती मान के देखा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के सभी
कद्दावर नेता, पूरे कैबिनेट मंत्री यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम कई जनसभाएं यहाँ पर संबोधित कर चुके थे। उसके बाद यह डिंपल यादव के लिए बड़ी चुनौती मान के चले देखा जा रहा था कि डिंपल यादव का जीतना यहाँ से लगभग जो है बहुत चुनौतीपूर्ण है, और हार जीत जो है बहुत मिनिमम 10 से 20 हजार वोट के अंतराल पे होने वाली थी। यह बड़े बड़े राजनीतिक ऐलान हो जाएगा क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं, ट्वीट बहुत कुछ बोलते हैं। बिल्कुल, अब इसके लिए औपचारिक ऐलान की कोई जरूरत ही नहीं दिखाई पड़ती है मेरी समझ से, क्योंकि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने खुद उन्हें अपने हाथ से जो है समाजवादी पार्टी का झंडा दिया है और उन्होंने वो झंडे को स्वीकार किया है। इससे पूर्व जो है वो गाड़ी में उनके जो भतीजे हैं अंतुल यादव, जो अभिषेक यादव हैं, उन्होंने भी उनकी गाड़ी से वो झंडा उतार के प्रसपा का झंडा उतार कर उसमें जो है समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया था। अब इसमें वैसे मेरी समझ से औपचारिक ऐलान की कोई जरूरत नहीं है, और देखा जाए तो दोनों ही बड़े नेताओं ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट पे ये फोटो बहुत कुछ बोलती है। रोहित, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं और ये बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि प्रसपा का विलय जो है वो सपा में होना अब तय है, और जिस तरह से चाचा भतीजे का प्यार और मित्रता नजर आ रही है उससे साफ है कि आने वाले समय में अब सपा एक होगी और सपा ही मैदान में अपनी साइकिल चलाती हुई 2024 के लिए नजर आएगी। तो इटावा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रसपा का क्या विलय सपा में हो गया है ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को पार्टी का झंडा दिया, और खुद जो शिवपाल यादव के भतीजे हैं वो इस झंडे को लगाते हुए अपनी गाड़ी में नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ है कि औपचारिकता की जरूरत हो सकती है, लेकिन अगर राजनीतिक पंडितों की हम बात करें तो वो इसे यकीन ही मान रहे हैं कि अब परिवार एक हो चुका है और अब परिवार एकजुट होकर मैदान में नजर आएगा। और जिस तरह से आज नतीजे सामने आ रहे हैं मैनपुरी उपचुनाव के, इससे साफ है कि परिवार जब एक हुआ तो लोगों को वो पसंद आया और लोगों ने इसी बिहाफ पर जमकर वोट दिया है डिंपल यादव को, तभी वो लाखों की अंतर से आगे चल रही हैं। राजकुमार भाटी साहब एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। भाटी साहब, क्या लग रहा है, पूरी तरीके से जो प्रसपा का विलय है वो सपा में हो चुका है या अभी हमें इंतजार करना होगा औपचारिक ऐलान का? नहीं नहीं, विलय की तो लगभग विलय होना तो उसी दिन तय हो गया था जब माननीय अखिलेश जी और डिंपल जी जब शिवपाल यादव जी के घर पर पहुंचे थे। ये तो खाली आज औपचारिक घोषणा हुई है, और इस विलय से समाजवादी पार्टी और के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, वो बहुत प्रसन्न है, और ये एक अच्छा कदम उठाया है। इससे सभी बहुत खुश हैं और इससे पार्टी में उत्साह आएगा आगे के लिए 2024 के चुनाव के लिए। भाटी साहब, यानी कहा जा सकता है कि परिवार अब एकजुट हो चुका है और 2024 के लिए बीजेपी तैयार रहे, सीधा मैसेज है ये, समझ सकते हैं हम? बिल्कुल, परिवार एक हो चुका है। हम तो ये शुभकामनाएं सभी को देंगे, सबके लिए दुआ करेंगे कि सबके परिवार एक रहे, किसी के परिवार में तोड़फोड़ ना हो, और भारतीय जनता पार्टी भी परिवार में तोड़फोड़ करने की कोशिश ना करे। भाटी साहब, कितनी मजबूती के साथ अब सपा मैदान में नजर आएगी? मैं ये कह सकते, देखो भविष्यवाणी तो राजनीति में अब सब पार्टी के लोग, मैं उस तरह की घोषणाएं तो कभी करता नहीं कि नहीं हम सफाया कर देंगे, हम जीत जाएंगे, लेकिन हम मजबूत हुए हैं, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे। ये बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो समाजवादी कुनबे में खुशी की लहर, और ये डबल खुशी है क्योंकि परिवार भी एक हो गया है और साथ ही साथ डिंपल यादव बंपर वोटों के साथ आगे चल रही हैं। बस औपचारिकता का इंतजार है कि जैसे ही सारी काउंटिंग, सारे राउंड्स पूरे हो जाएं तो ऐलान कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। श्रावस्ती में ट्रक टैंकर की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। थाना गिलौला क्षेत्र के माजरे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं श्रावस्ती में पुलिस की अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 55 ग्राम नाजायज गांजे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। मामला भिंगा क्षेत्र के खरगौरा का बताया जा रहा है।
तो श्रावस्ती की तस्वीरें जहां पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, साथ ही साथ चेकिंग अभियान भी चल रहा है और इसी के तहत पुलिस की कार्रवाई देखी गई है। अवैध मादक पदार्थों पर यह कार्रवाई की गई, 55 ग्राम गांजे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को NDPAC एक्ट में अभियोग पंजीकृत जेल भी भेज दिया गया है। मामला जो है वो भिंगा क्षेत्र के खरगौरा का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन पर शक है और अवैध जो मादक पदार्थ हैं उनकी बिक्री को लेकर भी पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सूर्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? श्रावस्ती में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, अवैध मादक पदार्थों की जो बिक्री कर रहे हैं उन पर कड़ी नजर है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनपद श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने सभी थाना प्रभारियों और प्रभारी निरीक्षकों को आदेश दे रखे हैं कि जहाँ भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री आयात या निर्यात किया जा रहा है उस पर पैनी नजर रखे और जबरदस्त कार्रवाई करते रहे, जिसके क्रम में आज प्रभारी निरीक्षक मिर्गा जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर टीम द्वारा खरगौरा से एक अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र ननकऊ प्रसाद निवासी खरगौरा के कब्जे से 55 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट में अभियुक्त पंजीकृत कर जेल भी भेजा गया है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सूर्य प्रकाश। हाथरस में महिला जिला अस्पताल के बाहर आशा कार्यकर्तियों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। महिला आशा कार्यकर्तियों ने मारपीट करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को आशा कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर चप्पलों से भी जमकर पीटा है और जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी यहाँ पर जो गुस्सा है वो आशा कार्यकर्तियों में नजर आ रहा है, जहाँ पर उन्होंने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी भी की है। महिला आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनके साथ मारपीट की है, जिसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने भी दौड़ा दौड़ा कर उस विभाग के कर्मचारी को जमकर चप्पलों से पीटा है। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पर अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। तो हाथरस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर आशा कार्यकर्ती स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर चप्पलें बरसाती हुई नजर आ रही है। किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उनका साफ तौर पर आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की गई है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जिला अस्पताल का एक पूरा मामला है, जिला अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चप्पलों से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को महिला आशा कार्यकर्ती पीटती हुई नजर आ रही है। तो हाथरस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आशा कार्यकर्ताओं का हंगामा बढ़ता हुआ देखा गया, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को जमकर पीटा गया है। हालांकि स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि वजह क्या थी, लेकिन जितना पूरा ये मामला सामने आया उससे साफ है कि कुछ यहां पर जो महिला आशा कार्यकर्ती थी वो नाराज थी और इसी वजह से मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया और आशा कार्यकर्ती ने जो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है उसको जमकर पीटा है, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, महिलाएं जो है वो बेहद नाराज नजर आ रही हैं, कभी हाथों से पीटती हुई, कभी थप्पड़ बरसाती हुई, तो कभी चप्पल बरसाती हुई नजर आ रही हैं। तो हाथों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, आशा कार्यकर्तियों का हंगामा देखा गया, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को जमकर पीटा गया है। महिला जिला अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आशा कार्यकर्तियों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई है कि क्या वजह थी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा हंगामा हुआ और जमकर नारेबाजी की गई। तो महिला आशा कार्यकर्तियों से मारपीट करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को आशा कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर चप्पलों से पीटा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।